सो हाय एवरीवन, फिर से आज एक नए ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज हम सभी जा रहे हैं झील, जो कि मुंगेर में पड़ता है, जिला मुंगेर पड़ता है, दशरथपुर। तो अभी हम लोग वहां पे जा रहे हैं, बिहार में है। तो जाने के बाद वहां पे आपको दिखाएंगे कैसा सीन है, जो कि पहाड़ पे है। हम फर्स्ट बार जा रहे हैं, इसीलिए आप सभी को पूरा वीडियो में आप सभी को भी घुमाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये जो बाइक चला रहे हैं ये मेरे भैया हैं, और ये जो पीछे बीच में जो बैठे हुए हैं ये मेरे मामा हैं। तो हम तीनों जा रहे हैं घूमने के लिए। मेरे साथ और भी लड़का है, जो कि अभी पीछे आगे सब आगे पीछे चल रहे हैं, जो कि सब बाइक से हैं। तो सभी एक साथ ही जा रहे हैं, तो वहाँ पे सब मिलेंगे एक जगह, और फिर आपको दिखाएंगे मेरे साथ कितना लड़का आए हैं। 10 से 15 लड़का मेरे साथ है अभी। तो चलिए तो फ्रेंड, बहुत देर बाइक से चलने के बाद अभी हम लोग पहुंच गए हैं। बस कुछ दूर यहां से 1 से 1.5 किलोमीटर यहां से आप लोग को लग जाता है, जब ये रोड में आप लोग आइएगा तो 1 से 1.5 किलोमीटर लगता है। और जाने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहां सा पूरा एकदम आप सभी को दृश्य दिखाई देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर आप सभी को बाइक लगाने का भी जगह मिल जाता है। तो आप लोग को सीधा आना है और पहाड़ के पास सीधा चले जाना, और यहाँ पे आप सभी को ऑटो लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, टेम्पू, ऑटो, कार। यहाँ पे आप सभी को बाइक वाइक यहाँ पे आप सभी लगा सकते हैं, जो कि आप सभी से यहाँ पे बाइक लगाइएगा तो एक यहाँ पे आदमी रहती है, तो यहाँ पे आप सभी यहाँ से बाइक ले सकते हैं। देख सकते हैं जो बूढ़ी आदमी है, इसी को आप सभी को कुछ पैसा दे देना और यहाँ पर बाइक लगा देना है। तो अच्छा बात है कि यहाँ से आप बाइक लगा के बाइक से भी आ सकते हैं घूमने के लिए, कार से भी आ सकते हैं घूमने के लिए, किसी चीज़ से आइए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे पैसा दीजिए कुछ और यहाँ पे बाइक लगा के आप चल जाइए। आप आइए 2-3 घंटा 4 घंटा बाद आइए आप घूम के, कोई दिक्कत नहीं। आप कितना देर बाद भी आइए घूम के, हम लोग यहाँ पर लगाएँ 1 बजे बाइक लगाएँ तो शाम में आएँ हम लोग 4:30 बजे यहाँ पर। तो आप सभी देख सकते, तो यहाँ पर कोई बात नहीं कि आप इतना देर बाइक लगा दिए, आप कितना देर भी बाइक लगाइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ने का रास्ता यही है, देख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग यहां से धीरे धीरे ऊपर जाइएगा, और ऊपर जाने में यहां से आप सभी को 2 से 3 किलोमीटर ये पूरा पहाड़ आपको चलना होगा ऊपर चढ़ने के बाद। पहाड़ पे जब आप ऊपर चढ़ जाइएगा तो 2 से 3 किलोमीटर आप सभी को चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं यही मेरे साथ सारे मेरे भैया के दोस्त हैं और मेरे मामा हैं, सब मेरे साथ यही सारे सब लड़का लोग आए हैं। तो चलिए चलते हैं घूमने के लिए। ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहाड़ पे और दिखाते हैं किस तरह से वहाँ पे झील है।
45 में लग तो फ्रेंड बहुत देर चलने के बाद ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे 45 मिनट चले और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ पे आप सभी को आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा पानी का और यहाँ पे झरना का ये आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रहा होगा। और जो अब नहाने के लिए जाइएगा तो देख सकते हैं कुछ यहाँ इस तरह से आप सभी को जंगल पार करना पड़ता है, जैसा कि देखे अभी हम पूरा जंगल को पार किए हैं। तो अगर आप लोग आइएगा तो यहाँ पे अकेले मत आइएगा, अगर आइएगा तो 4 से 5 लोग के आदमी के साथ आप लोग आइएगा। अकेले आप लोग आइएगा तो आप लोग आगे से ही घूम के चले जाइएगा और पूरा आप लोग झील का मज़ा नहीं ले पाइएगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग आइएगा तो 4 से 5 आदमी के साथ आइएगा। तो देख सकते हैं किस तरह का सीन है यहाँ से, किस तरह का नज़ारा है आप लोग पूरा देखिए। जंगल में आके घूमने के लिए आएँ और आप सभी को दिखाने के लिए आएँ और आप सभी को घुमाने के लिए आएँ किस तरह का ये झील है, किस तरह से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अकेले मत आइएगा, ये मेरा कहने का मकसद था कि यहाँ पे आप लोग अकेले मत आइएगा, आइएगा तो 2 से 3 आदमी के साथ आइएगा, क्योंकि आप लोग देख ही लिए कि बीच जंगल में यहाँ पे आप सभी को एक भी आदमी नहीं मिलता है। आप सभी को बिल्कुल यहाँ पे अकेले आना पड़ जाएगा, अगर आप एक आदमी के साथ आते हैं तो आपको अकेले आ जाना पड़ जाएगा। यहाँ पे आप लोग आइए तो मिनिमम यहाँ पे आप लोग 5 आदमी आइए, 5 आदमी के साथ यहाँ पे आप लोग घूमने के लिए आइए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद उस साइड देख सकते हैं झील वहाँ पे बह रहा है और यहाँ पे अभी हम लोग भी अभी नहाने वाले हैं। तो चलिए नहाते हैं और इन्जॉय करते हैं और आप सभी को भी इन्जॉय कराते हैं घर बैठे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आदमी नहा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ कितना ऊँचा पे है और ऊँचा से वहाँ पर से पानी बह रहा है। तो देख सकते हैं कितना ऊँचाई से यहाँ पे पानी ऊपर से गिर रहा है। तो ये जो पानी आ रहा है ये हमेशा बहते रहता है, ये नहीं कि बारिश में ही बहता है, बारिश में कुछ ज़्यादा बहता और हमेशा बहता है। यहाँ पे गड्ढा भी बहुत ज़्यादा है साइड में, एक साइड बहुत ज़्यादा गड्ढा है और एक साइड कम है। तो आइएगा तो प्लीज़ यहाँ पे आप लोग थोड़ा अनुमान लगा लीजिएगा किस साइड ज़्यादा गड्ढा है, किस साइड कम है। और यहाँ पे पूरा चारों तरफ आपको जंगल ही दिखाई देगा, अगर आप लोग अकेले घूमने मत आइएगा। यहाँ पे जितना सारा लड़का है आधा से ज़्यादा यहाँ पे मेरा लड़का है जो कि घूमने के लिए आया है, यहाँ पे सब मेरे साथ ही आया है घूमने के लिए, हम सब मिल के आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। यहाँ पे जितना लड़का है यहाँ पे सारा मेरा ही लड़का है, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे भी सब लोग नहाने के लिए चला गया है। तो चलिए अभी हम भी चलते हैं नहाने के लिए, ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा भाई। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे इंजॉय करते हैं हम लोग।